वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भोला सा डीजल मैकेनिक में। मेरा नाम जान लीजिए भोला सा। तो फ्रेंड, महिंद्रा BS4 गाड़ी है ये 3118, और ये गाड़ी अचानक से चलते चलते ये गाड़ी बंद हो गई, पिकअप तोड़कर बंद हो गई। तो इस गाड़ी को मैं चालू करता हूँ और देखता हूँ कि चालू होती है कि नहीं। ड्राइवर का कहना है, गाड़ी चालक का, कि ये गाड़ी अचानक से चलते चलते ये गाड़ी बंद हो गई। तो चलिए देखते हैं ये गाड़ी चालू होती है कि नहीं। तो सबसे पहले गाड़ी को न्यूट्रल में रख लेना है, ताकि गियर में होगा तो गाड़ी हमारी प्रॉब्लम करेगी। तो चलिए इसको चालू करते हैं, चालू करके देखते हैं ये गाड़ी चालू होती है कि नहीं। तो गाड़ी चालक का कहना है कि गाड़ी अचानक से चलते चलते ये हाईवे पे गाड़ी हमारी बंद पड़ गई, और उसके बाद चालू ही नहीं हुआ। तो भाई ये भी समस्या की बड़ी बात है कि भाई गाड़ी चालू नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैंने दिखाया आप लोगों को कि भाई गाड़ी चालू हुआ नहीं। तो फ्रेंड, सबसे पहले एक बात बताता हूँ कि इसके फिल्टर जो है, महिंद्रा BS4 जो हमारी गाड़ी है, चाहे 4018 हो, 3118 हो, 3518 हो, जो भी गाड़ी हो, महिंद्रा की, ट्रक में बोल रहा हूँ, ये बोलेरो की बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं ट्रक की बात बोल रहा हूँ। तो उसमें अगर ये गाड़ी ये सब अगर बंद पड़ जा रही है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फिल्टर का नीचे जो कैप आता है, इसके अंदर सेंसर दिया हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने खोला और खोलने के बाद इसमें वाटर का अंश आ रहा है, यानी पानी आ रहा है इसके अंदर में। तो पानी आएगा तो ये अचानक से ऐसा प्रॉब्लम आएगा आपके अंदर, गाड़ी के अंदर में। अगर पानी आता है तो आपकी गाड़ी चालू नहीं होगी, और उसमें कोड दिखाना चालू कर देता है। तो कोड आता है तो आपको, कोड तो चलिए अभी चल कर चला गया था, इसमें कोड नहीं आ रहा था, मगर गाड़ी चालक का कहना था कि इसमें कोड आया था। तो ये देख सकते हैं इसमें पानी आया हुआ है, तो इसका सेंसर दिया हुआ है। सेंसर पर जब अगर पानी अगर आएगा, तो आपका गाड़ी अचानक से चलते चलते पिकअप तोड़ कर बंद हो जाएगी, और वहाँ पर गाड़ी चालू नहीं होगी। तो आपके पास अगर डीजल फिल्टर है, तो डीजल फिल्टर चेंज करें। अगर नहीं है, तो इसको अच्छे तरह से चारों तरफ से फटका देकर, और इसको साफ करके, हैंड प्राइमर को अच्छे तरह से पुशिंग करके, इसको डीजल भरकर और चालू कर सकते हैं। पहले डीजल को थोड़ा गिरा लेना है, ताकि ये साफ़ हो जाए अंदर से। तो मेरे पास डीजल फिल्टर अवेलेबल है, मैं लेकर आ जाऊँ असेंबल, तो मैं इसको चेंज करूँगा, और चेंज करके आपको दिखाऊँगा कि गाड़ी चालू कैसे हुआ था। तो आपके पास ऐसा प्रॉब्लम आता है, तो आप लोग ज़रूर इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन घंटी को ऑल पे प्रेस करें, ताकि नोटिफिकेशन हमारा आपके पास मिलता रहे, और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। और बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो लोग वीडियो को देखते जरूर हैं, मगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो लाइक कॉमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब भी जरूर करें। हमारे इंस्टाग्राम ID को भी फॉलो कर लें, जो कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, लिंक उसका आप लोग फॉलो कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल फ़िल्टर है, जो कि हैंड प्राइमर यानी फील्ड पंप के साथ में है। तो ये फ़िल्टर को मैंने थोड़ी सी ढीली कर ली है, ढीली करके बाद इसमें फ़िल्टर को फेस करूँगा। मैं पूरी असेंबल फिट नहीं करूँगा, मैं अलग फिट करूँगा इसको, ओनली फ़िल्टर फोल्ड फिट करूँगा। तो ये फ़िल्टर कुछ अलग तरीके से है। तो चलिए मैं पहले पुराने वाले फ़िल्टर को खोल लेता हूँ, और खोल कर उसको निकाल लेता हूँ, और दूसरे फ़िल्टर को मैं फेस कर लेता हूँ। और दूसरी बात यह है कि फ्रेंड, इसमें अगर गाड़ी आपकी एयर लेती है, अगर एयर निकालना चाहते हैं, तो इसमें आप पीछे से जाएंगे तो जहाँ पे हमारा बैटरी लगा रहता है, वहाँ पे 12 नंबर का बोल्ट लगा रहता है, उस 12 नंबर का बोल्ट खोलकर आप एयर निकाल सकते हैं। ये भी कंपनी ने प्रोसीजर अच्छा दिया है, वहाँ से एयर निकाल सकते हैं। एयर निकालने का वहाँ पे 12 नंबर का बोल्ट दिया हुआ है, जो कि मैं इस वीडियो में दिखाऊँगा। वीडियो को एंड तक देखें, ताकि आपको पूरा प्रोसीजर पता चले कि कैसे इसमें प्रॉब्लम को सॉल्व हमने किया था। तो गाड़ी चालक का कहना था कि गाड़ी अचानक से हाईवे पे चल रही थी, और गाड़ी पिकअप तोड़ दी, पिकअप तोड़ कर धीरे धीरे बंद हो गई, उसके बाद गाड़ी चालू नहीं हुआ। तो डीजल फिल्टर के अंदर अगर वाटर आता है, यानी पानी आता है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करती है, क्योंकि इसमें सेंसर के ऊपर पानी आएगा, और आपका मीटर बॉक्स के अंदर कोड दिखाना चालू करेगा। तो कोड आएगा तो अचानक से यही प्रॉब्लम होगा कि गाड़ी चालू नहीं होगा। तो इसके अंदर थोड़ा कचरा है, इसके अंदर में पानी भी है। तो हमारे पास फ़िल्टर है, तो फ़िल्टर चेंज करेंगे। आपके पास नहीं है तो इसको करना क्या है, चारों तरफ से फटका देना है। फटका मतलब थोड़ा थोड़ा इस पर चोट देना है। चोट देने के बाद इसको हैंड प्राइमर को अच्छे तरह से डंकी मारना है, यानी हैंड प्राइमर को पुश करना है, और पुश करने के बाद उसको थोड़ा सा डीजल नीचे गिरा लेना है। उसके बाद आप लगाकर चालू कर सकते हैं गाड़ी को, कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर फ़िल्टर नहीं है आपके पास तो। तो हमारे पास डीजल फिल्टर है, यानी वाटर सेपरेटर फ़िल्टर हमारे पास है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नीचे में कांच लगा हुआ है, यानी फाइबर का ये दिया हुआ है कैप, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये कैप हो अच्छा है तो अच्छा है। तो इसको चलिए फ़िल्टर को पहले मैं फेस कर लेता हूँ। फेस करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा ब्लैक हो चुका है, यानी काला हो चुका है, तो इसको साफ़ कर लेता हूँ।
तो मैं ये फाइबर के ऊपर बता रहा हूँ, कैप जो है फाइबर का दिया हुआ है, तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अगर ये फाइबर का कैप है तो अच्छी बात है, इसको फिल्टर का रिंच जो आता है उसको लगाकर अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ सिस्टम, जिसके अंदर पानी या कचरा आएगा तो आपको दिख जाएगा सामने से, जो क्योंकि ये कांच है, कांच के बाहर से तो आपको दिख ही जाएगा, ये तो सिंपल सी बात है। तो चलिए मैं सेंसर की वायर को लगा लेता हूँ। तो हमारे पास नया फिल्टर में सेंसर की जो कैप दिया हुआ रहता है वो दिया हुआ है, और पुराना हमने नहीं लगाया। तो आपके पास भी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप लोग प्रॉब्लम से निकल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हैंड प्राइमर को पोस्ट कर रहा हूँ। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि हमारा एयर लीक करने का प्रोसीजर कहाँ से दिया हुआ, बोल्ट कहाँ से दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 12 नंबर की बोल्ट है, मैं इसको पहले मैंने ढीली कर ली, यानी ढीली करके इसको रख लिया हूँ, और हाथ से इसको अच्छे से खोल लेता हूँ बाहर, फिर एयर निकाल कर दिखाता हूँ। जैसे जैसे इसमें डीजल भरूँगा तो हमारा एयर अच्छे से निकल जाएगा। तो ये है डीजल फिल्टर की बहुत अच्छी बात है, इसमें कांच का फिल्टर दिया हुआ है तो हमारे लिए बेहद अच्छी है कि साफ इसमें पता चलेगा कि कितना हमारा वाटर आया हुआ है, कितना कचरा आया हुआ है। तो यहाँ पर डीजल फिल्टर मेरा भर चुका है, और ये देख सकते एयर हमारा अच्छे से निकल गया। तो ये 12 नंबर का बोल्ट दिया हुआ है, जिसकी जिसमें इसमें एक चीज़ और दिया हुआ है कि इसको स्क्रू ड्राइवर से भी खोल सकते हैं, मगर स्क्रू ड्राइवर से खुलता नहीं है, ज़्यादा फेस होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, 12 नंबर के बोल्ट से ही, रिंच से ही खोलेंगे। ये 12 नंबर का रिंच अगर आपके पास है तो अच्छे से खुल जाएगा, क्योंकि इसकी स्क्रू ड्राइवर का ये सिस्टम दिया हुआ है तो इसे खुलता नहीं है। तो चलिए मैं इसको फेस कर लेता हूँ और गाड़ी को चालू करता हूँ कि गाड़ी हमारा चालू हो जाए। तो यहाँ पर अच्छे से फेस कर लेता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है चढ़ने में, क्योंकि चूड़ी थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो हमारा दिक्कत करता है। चलिए इसको मैं रिंच से फेस अच्छे से कर लेता हूँ, और फेस करने के बाद हैंड प्राइमर को अच्छे से पुशिंग कर लेता हूँ, हार्ड कर लेता हूँ, उसके बाद गाड़ी को चालू करता हूँ। तो फ्रेंड आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार कि हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन घंटी को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन हमारा आपके पास मिलता रहे, और वीडियो को लाइक कॉमेंट शेयर जरूर करें, आप लोग फ्रेंड, और हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर ले, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से मुझे फॉलो करके कॉल भी कर सकते हैं उसमें, क्योंकि इंस्टाग्राम में आपको दो ऑप्शन देता है, ऑडियो वीडियो दोनों का कॉल का ऑप्शन देता है। क्योंकि बार बार मैं आप लोगों से अगर कमेंट करके समझाऊंगा, मैसेज करूंगा, तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ना ही मुझे समझ में आएगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हो तो उनको समझ में नहीं आता है, बाकी जिनको समझ में आता है तो अच्छी बात है, तो आप मुझे वहाँ से कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड, मैं अच्छे तरीके से इसको हार्ड कर लिया हूँ, हैंड प्राइमर को, फ्यूल पंप को अच्छे तरीके से हार्ड कर लिया हूँ, और चलता हूँ गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, चालू करता हूँ, चालू करके दिखाता हूँ आपको कैसे गाड़ी चालू होती है कि नहीं, ये भी दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ, और चाबी को मैं ऑन करता हूँ, ऑन करने के बाद दिखाता हूँ आपको गाड़ी हमारी चालू हुई या नहीं हुई, क्योंकि प्रूफ के साथ में दिखाना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप लोग अगर कभी फंसते हैं तो आप लोग ऐसा ना बोले कि भाई ये तो गलत बताया। तो जो भी होता है मैं वीडियो में सही बताता हूँ आप लोग को, ताकि आप लोग कभी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप लोग प्रॉब्लम से निकल सकें। तो चलिए चाबी मैंने ऑन कर लिया और गाड़ी मेरी चालू हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं रेस वेस देकर दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड, मैं 15-20 RPM पे लेकर जा रहा हूँ, मेरी गाड़ी चालू हो चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, यानी फिल्टर में हमारा वाटर था, इसके कारण हमारा ये गाड़ी अचानक से गाड़ी चलते चलते हाईवे पे बंद हो गई थी। तो ऐसा प्रॉब्लम आपके पास आता है तो उससे आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपके पास फ़िल्टर वगैरह नहीं है तो, अगर फ़िल्टर है तो चेंज कर ले, नहीं है तो इसको अच्छे तरीके से चारों तरफ से फटका देना, यानी चोट पहुंचाना है इसको फ़िल्टर को, और उसके बाद आप लोग चालू उसको क्या करना है, अच्छे से हैंड प्राइमर को हार्ड करना है, और डीजल थोड़ा बहुत निकल जाने के बाद उसको आप लोग कैप को लगा दें, सेंसर वायर को लगा दें, और चालू गाड़ी को कर सकते हैं, इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, अगर फ़िल्टर वगैरह नहीं है तो। अगर फ़िल्टर है तो अच्छी बात है, आप लोग फ़िल्टर नया डाल सकते हैं, नया फ़िल्टर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी गाड़ी चालू हो चुकी है, और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने फ़िल्टर नया डाला है। यह है सेंसर वायर, जो कि इसके अंदर पानी आता है, यानी वाटर आता है तो ही तकलीफ़ करता है ये, और ये मैं पुराने सेंसर वायर, ये जो हमारा कैप है इसको मैं रख लेता हूँ, और हमारा नया लगा हुआ है तो इसे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास ऐसा प्रॉब्लम आता है, अगर कभी भविष्य में अगर प्रॉब्लम आता है इसका, तो इसको मैंने बताया कि वाटर को अच्छे तरीके से फेस, हमारे हैंड प्राइमर को अच्छे तरीके से पुशिंग करके हार्ड कर लें, जितना अंदर में कचरा है वाटर होगा वो निकल जाएगा, उसके बाद कैप को लगाकर गाड़ी को चालू कर सकते हैं। तो मेरे पास फ़िल्टर वगैरह पड़ा था,
तो नया फिल्टर मैंने डाल दिया। ये हैंड प्राइमर है और इसके बाजू में दिया हुआ है 12 नंबर का बोल्ट, जिसको मैंने दिखाया था वीडियो में, उससे वहाँ से एयर निकाल सकते हैं। चलिए दिखा देता हूँ फिर से। तो ये फ्रेंड 12 नंबर का बोल्ट है, जो कि इसमें स्क्रू ड्राइवर लगता है मगर स्क्रू ड्राइवर से खुलता नहीं है। तो इसको आप लोग क्या करना है, आपको स्क्रू ड्राइवर से नहीं खोलना है, आपके पास रिंच है 12 नंबर का रिंच, तो उसे खोल सकते हैं। ये प्रोसीजर अच्छा है, कंपनी ने दिया है तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से आप लोग गाड़ी को, महिंद्रा गाड़ी हो या, मैं हर गाड़ियों के बारे में बताता हूँ, आप लोगों को समझाता हूँ कि भाई कैसे काम करना है कैसे नहीं करना है। तो फ्रेंड आप लोगों से रिक्वेस्ट करता आता हूँ, हर बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। ये हमारी गाड़ी चालू हो चुकी है, जो कि महिंद्रा 3118 गाड़ी है। ये महिंद्रा बलाजो 3118 है। तो इसी तरह का वीडियो आप लोग के पास लेकर आऊँ, अच्छे से समझाऊँ आप लोग को, तो इसके लिए आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर चैनल को करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑल फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय।